सारी समाज की चिंतनी है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि एजुकेशन और मेडिसिन अपने हाथ में लो, और ख़ास तौर से एजुकेशन, लोभ में मत आओ, एड में मत आओ। सरकार से हम एक रुपया लेंगे, एक दिन पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति सरकार के नाम हो जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे ऐसे कानून बनाते जा रहे हैं। जैसे आज उन्होंने कह दिया कि अल्पसंख्यक भी अपने स्थलों पर लौकिक शिक्षाओं पर धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकेंगे, कल के दिन कुछ भी कर सकते हैं। और ये जितने भी स्कूल हैं, उन सब में जितने एडेड स्कूल हैं, आज ललितपुर का वर्णी कॉलेज कितने खतरे में है। आज तुम प्रभावशाली हो, आगरा के MD कॉलेज, ठीक है, आज प्रभावशाली हैं, प्रदीप जी वगैरह हैं जो कि अपनी राजनीति दखल रखते हैं, तो आज हम निपटा लेंगे, लेकिन अंत बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अंतोगत्वा ये स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा सब कुछ, वहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए इनको इस ढंग से फॉलो करो कि हम चाहें तो बंद कर दें, हम चाहें तो चालू कर दें। हमारी प्राइवेट संपत्ति है, हमारे प्राइवेट ट्रस्ट है, हम दो क्लासें कम चलाएं, लेकिन अच्छी चलाएं और स्वयं के अधिकार में चलाएं। इसलिए जितने एडेड स्कूल हैं, एडेड संस्थाएं हैं, सरकार के द्वारा जो तुम्हें डोनेशन मिले, वो डोनेशन से सारे भारत के लोगों से लोभित मत हो। पर्यटन विभाग आजकल हमें बहुत करोड़ रुपया दे रहा है, आप लो मत लो, लोभ में मत आओ। वो ही उनका पैसा कल के दिन ये कहेगा, हमारे पर्यटन विभाग ने आपके अंदर धर्मशाला बनाई है, उसमें पहले लिखवा लिया गया जाति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए होगा, सामुदायिक होगा। कल के दिन कोई जाकर कहेगा कि मैं तो यहाँ ठहरूंगा क्योंकि सामुदायिक भवन है। इसे अल्पसंख्यकों के लिए सबसे जबरदस्त स्थिति है, अपनी संस्थाओं पर ऐसा नियंत्रण करें कि जहाँ सरकार का कानून ही लागू न हो।